हमारा ऐप बन के रेडी हो गया है। अब मैं आपको इस ऐप की पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। फर्स्ट आपको इसकी बेसिक नॉलेज देते जाता हूँ कि आपके मोबाइल में क्या क्या होना चाहिए। देखो पहले तो आपके एक पफी करके आएगा, प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर लेना है, और मैं एक लिंक दूंगा वहाँ पे क्लिक करना, मतलब इसको परमानेंटली रख लेना। किसी पर भी आप क्लिक करोगे वेबसाइट पे, ऐड पे, तो डायरेक्ट आप इसमें जाओगे। इसमें इसलिए रखता है क्योंकि ये अलग रहता है, इसमें कोई अकाउंट अपना नहीं डालना पड़ता है, और इसे क्लियर भी कर देते हैं तो कोई भी टेंशन नहीं रहता। और दूसरा होता है हमारे सेटिंग में गूगल में, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गूगल आता है, गूगल में क्लिक करेंगे और ऐड आएंगे। आप हमको तीन राउंड करने हैं, और तीन राउंड में हर एक में 10 बंदे हैं, तो 10वां खुद, मतलब 9 बंदों के क्लिक करने हैं। तो 9 बंदों के हर एक क्लिक में पहले गूगल की एड्स ये रीसेट कर देनी है, ठीक है। रीसेट हो गई, फिर हमारा ये रहा ग्रुप, ये रहा, देखिए यहाँ पे इसको ओपन करना है। ओपन करने ऐसा लोगो दिखेगा स्टार्टिंग पेज, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड सुन लीजिए, 921530, ये इसका पासवर्ड है। ये मैं सबको मैसेज कर देगा, अतुल भाई आपको ये डालना है, फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखेगा, ऊपर देख लीजिए, डिस्प्ले एड 50 है, और बैनर एड, देखो ये लोड बैनर एड है, यहाँ पे इसको आप ऑन कर देंगे तो बैनर एड लोड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और डिस्प्ले एड वो इंस्टेंट बड़ी एड होती है ना, वो होती है, वो आप नीचे देखेंगे इंस्टेंट एड क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काउंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो ये बैनर एड तो हमारी चालू हुई है, अब हमें डिस्प्ले एड भी शुरू करनी है। एड क्लिक पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक साथ 10 एड आएंगी। कुछ प्रॉब्लम वजह, नेट की प्रॉब्लम वजह से कुछ में 2-3 आएंगी, कुछ में 5 आएंगी, इससे कोई बात नहीं है। मतलब इसमें सेटिंग में तो अतुल भाई ने 10 ही रखी हैं, और फिर एक बाय एक करके सबको कट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 ही आई थी, 6 आई थी, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर दूसरा ऑप्शन आएगा, पहले नहीं था, लोड डिस्प्ले टू, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पर भी 10 आएंगे। देखिए हमने लोड टू पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी ऐड आ गई, इसको भी 1 by 1 करके सबको क्लोज करना है। देखो 6 आ गई, वैसे तो 10 रखी हुई हैं इसमें, बट फिर यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दूसरा आ जाएगा, लोड डिस्प्ले 3, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी ऐसे ही 6 या 10 लोड होंगी, इसे भी 1 by 1 क्लोज करना है। मैं यहाँ फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको सबको आराम से करना है, क्योंकि मुझे मैं ज़्यादा देर करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए। फिर देखो हमने 3 पर क्लिक कर लिया, इसे 4 पर क्लिक करना है। अगर आपको 50 डिस्प्ले करनी है, इसलिए क्या है कि आप वापस से उसी बटन पर भी क्लिक कर सकते हो। हमको क्या है 50 डिस्प्ले ऐड करनी है ऊपर, और बैनर गेट 40 करनी है, ठीक है। इसको भी 1 by 1 क्लोज करते हैं, और देखिए 24 हो गए। अब नीचे एक बटन आ गया है ना, लोड डिस्प्ले 5, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही 6 आ जाएंगी, इसको भी 1 by 1 करके क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप आ गया, आपको सबको क्या करना है, पूरे स्टॉप करना है, 50 डिस्प्ले बोला है तो 50 करना है। मैं यहाँ पे क्या है कि आपको सब सिखाने के लिए बस इतना कर रहा हूँ। ये बैनर एड भी 40 तक पहुँचाना है, फिर ही नेक्स्ट बटन, क्योंकि आप जो भी डिस्प्ले एड देखते हैं, जो भी जितने भी बैनर एड है, वो सब के सब डिटेल अतुल भाई के पास चली जाएगी। इसलिए आप अगर बीच में कुछ चैटिंग करेंगे तो अतुल भाई आप पर डायरेक्ट, और हम सब यहाँ पे जितने भी बंदे हैं सब पैसा कमाने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि एक बंदा नहीं करेगा तो दूसरे बंदे को लगेगा मेरा काम हो जाएगा वहाँ से, ऐसा नहीं। हम सब एक अच्छी फैमिली की तरह है, सबको यहाँ पे फ़ायदा हो, इसलिए तो हमने ग्रुप अर्निंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पे सभी के नाम बताएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, खुद के नाम पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। खुद के नाम पे क्लिक करोगे तो ये आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इनवैलिड क्लिक होगा,
क्योंकि इसमें ऐड आपके ना आपकी आईडी की आएगी, इसलिए खुद के नाम पे क्लिक नहीं करना है। अब देखो मैंने अतुल भाई का पहले कर लिया इसलिए अब नहीं करूँगा, अब मैं निखिल का करता हूँ। यहाँ पे निखिल का क्लिक करता हूँ, ये देखिए निखिल का क्लिक किया, यहाँ पे ऊपर टाइमिंग शुरू हो गया और अब एक इंस्टेंट डिस्प्ले का ऐड आएगी यहाँ पे बड़ी सी, ठीक है। आ नहीं रही है, वो क्या नेट में प्रॉब्लम, ठीक है मैं स्टॉप कर लेता हूँ फिर कर बताता हूँ। हाँ वो नेट की प्रॉब्लम वजह से, हाँ देखिए अब ये डिस्प्ले ऐड आएगी, इस पर क्लिक करना है और ये डायरेक्ट मैंने आपको बोला ना कि ये पफी ब्राउज़र करके आएगा, इसे इंस्टॉल करना है, इससे अच्छा रहेगा क्योंकि ये अलग से रहता है, वो हमारे क्रोम ब्राउज़र होता है, यूसी ब्राउज़र होता है या उस उनमें करते हैं तो वो अलग से हमारे उनमें खुद की आइडिया वगैरह सभी होती हैं, तो क्या है कि गूगल ट्रेस कर सकता है कि इस ब्राउज़र में ये ऑलरेडी दूसरी आइडिया सब चेंज डाली हुई है, मतलब इनवैलिड क्लिक में चला गया, ये अलग होता है, इससे क्या हम क्लियर कर देते हैं तो टेंशन नहीं रहता है। और ठीक है अब इस ऐड पर 2 से 3 मिनट तक रहना है, कम से कम 2 मिनट तो रहना ही है, और इसमें किसी भी ऑप्शन में चले जाओ आप, ठीक है 2 मिनट तक आपको इसमें टाइम निकालना है, और वहाँ पे देख लीजिए हमारा टाइमिंग शुरू होगा चालू होगा यहाँ पे, है ना। ये जब तक आप 2 मिनट के बाद तक जब तक ऐड पर रहोगे वहाँ पे तब तक ये ऐसे ही दिखाएगा, 2 मिनट हो जाएंगे इसमें तो फिर एक अलग से ऑप्शन, देखो हम चलते हैं यहाँ पे दो मिनट तक रहते हैं, ठीक है किसी भी ऑप्शन में ऐसे ही चले जाओ, कोई भी आप यहाँ। और हमें दिन के 3 राउंड करने हैं, सभी के नाम पर एक एक क्लिक 3 बार, एक बंदा एक नाम पर 3 क्लिक करेगा, मतलब खुद 9 बंदे हैं तो रोज़ की 27 क्लिक होंगी एक बंदे की, ठीक है। और तीनों क्लिक में अलग अलग, पहले इंडिया से करना है, फिर यूनाइटेड स्टेट से करना है, और तीसरा कनाडा से करना है। और मैं ब्राउज़र भी आपको VPN भी आपको बता दूंगा, जैसे ही ब्राउज़र बताया ऐसे ही VPN भी एक बता दूंगा, उसी को यूज़ करना है, ठीक है सभी बंदों को। और उसमें आपको दूसरी भी एक बात बता दूंगा, तो क्या है कि सब का अकाउंट सेफ रहे, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 मिनट से ऊपर हो गए, अब यहाँ पे आप क्लोज नहीं करना है इसको, ठीक है आपको क्या करना है वापस उसमें आप ब्राउज़र में जाना है, यहाँ पे आपका आज की डेट डालनी है 6/16/ और आप खुद का नाम, मेरा नाम मीत मीत, फिर यहाँ से स्लैश, आपको पता ना चले क्या डालना है तो नीचे लिखा हुआ है डेट, अपना नाम, कंट्री, मैंने इंडिया से अभी किया इंडिया, फिर स्लैश, फिर ये मेरा फर्स्ट ही राउंड है इसलिए फर्स्ट राउंड और फर्स्ट ही क्लिक थी इसमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट राउंड पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट राउंड पर क्लिक करूँगा तो एप्लीकेशन क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन क्लोज हो गया, हमको क्या करना है फिर से गूगल में जाना है, गूगल में हमारा जहाँ पे ऐड सब एप्लीकेशन इंस्टॉल है वहाँ पे जाना है एप्लीकेशन मैनेजमेंट में, और यहाँ पे देखिए रनिंग में अभी मेरे 3 बता रहा है, ठीक है मेरा ये रिकॉर्डर है, ये ब्राउज़र था और ये पफी। तो हमें क्या करना है, पहले पफी को क्लियर कर देना है और इसे स्टॉप कर देना है, फिर ग्रुप को क्लियर कर देना है, स्टॉप कर देना है, ठीक है। अब ये 2 काम हो गए, फिर क्या करना है वापस जाके गूगल में आईडी चेंज कर देनी है, ठीक है। इससे क्या है कि हर बार एड्स आईडी चेंज होती रहती है, इससे हमें आसानी रहेगा, हम इनवैलिड क्लिक से बच सकेंगे। फिर क्या करना है, VPN कनेक्ट करोगे, पहले VPN कनेक्ट करके गूगल में एड्स चेंज करके फिर ब्राउज़र ओपन करना है, ठीक है वैसे ही प्रोसेस पूरा करना है। फिर लास्ट में क्या करना है, पहले क्लियर करना है पफी जो ब्राउज़र हमने जिसमें ऐड देखी उसको, फिर हमारा ग्रुप को, फिर जो VPN यूज़ किया था उसको, फिर लास्ट में गूगल ऐड चेंज कर देने, ठीक है। तो इससे क्या है कि हम इनवैलिड और अकाउंट भी सस्पेंड होने से बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा, थैंक यू वॉचिंग फॉर।